हमें बहुत कुछ विषय नया जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पिछले एक घंटे से लगभग एक कल्पना, राज्यों की योजना क्या है, भारत सरकार की योजना क्या है और कहां ये योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या होगा, उसमें बेनिफिट क्या होगा और उसकी रोड मैप क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल एक रोड मैप हम लोगों के सामने है। अभी समय है उसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कराना। योजनाएं तो अच्छे बन जाती है, इस प्रकार की इवेंट में वीडियो के माध्यम से वो अच्छा दिख भी जाता है, लेकिन इसको अच्छा नहीं दिखाना है, उसको अच्छा करना है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं विभाग को, इन्होंने पूरा तो अच्छा किया कि नहीं किया भी नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा तो अच्छा किया है, नहीं तो ये बच्चियों को कैसे लाते। आज हमारी नॉर्थ ईस्ट की छोटे बच्चे नर्सिंग पढ़ने के बाद जापानीज लैंग्वेज सीख रहे हैं, ऐसे कहा गया, वो सच है ना? अच्छा, जापानीज में नमस्कार बोलो, तो सच में सीखे हुए हैं ये सब, जापान जाएंगे। हम सभी के दायित्व है, अभी शायद इसी सप्ताह में ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ मिनिस्टर भी मिलने आ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, वहां भी हमारे बच्चों को भेजा जाएगा। हमारी एक बड़ा नेटवर्क बन रहा है गल्फ कंट्रीज में, वहां ऐसे ही हमारे भारत के बच्चे जा रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम पे, पैरामेडिक्स पे। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे, अमेरिका में उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ यही विषय बात करके आए कि हमारे देश की जो टैलेंट है, हमारे देश की जो कैपेसिटी है, हमारे देश की आवश्यकता में लगे, उसके साथ साथ दुनिया की आवश्यकता में लगे, इसलिए पीएम साहब ने इसको एनविजन किया है, इंडिया विल बी द स्किल कैपिटल, स्किल हब ऑफ द एंटायर ग्लोब। हमारे पास वो ताकत है, हमारी नई पीढ़ी के पास वो ताकत है। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में आज बहुत प्रसन्न हूं, इसकी शुरुआत थोड़ा देरी हुई है, 2023-24 की एकेडमिक तथा फाइनेंशियल ईयर में आज हम एक क्वार्टर जाने के बाद मिल रहे हैं, लेकिन अगस्त महीने में सब अच्छे चीज होते हैं। अगस्त महीने में अगस्त क्रांति भी होती है, क्विट इंडिया मूवमेंट कल से शुरू हुई थी 1942 में। हमारे देश में बेरोजगारी को क्विट इंडिया करानी है, हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2047 तक विकसित भारत करेंगे, डेवलप्ड कंट्री हम बनेंगे, आत्मनिर्भर होंगे, दो शब्द कहा है, डेवलप्ड कंट्री, आत्मनिर्भर, ये बिना स्किल डेवलपमेंट को हो ही नहीं सकता है। आत्मनिर्भर कैसे होंगे, अगर हम स्किल्ड होंगे तो भी तो काम मिलेगा, तभी तो आत्मनिर्भर होंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे तभी तो देश की अर्थनीति बड़ा होगा, विकसित होंगे। विकसित अर्थ सिर्फ अर्थनीतिक पैमाने में नहीं है, पैरामीटर्स में नहीं है, विकसित यानी हम होलिस्टिक विकसित होंगे। इसीलिए मित्रों, आज नॉर्थ ईस्ट में 360 करोड़ रुपया खर्चा करके अतुल जी ने एक कोऑर्डिनेशन बनाई है, 2.5 लाख बच्चों को ट्रेन करने के लिए इसी साल, ये फिर चलते रहेगा ऐसा तो नहीं है ना, पक्का इसी सालों का। तो सारे जो एजेंसी काम कर रहे हैं उसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैंने अनुरोध किया किशन रेड्डी जी को, क्या डोनर विभाग उस विषय में थोड़ा हमारी मदद करेगा, उन्होंने कहा निश्चित रूप में मदद करेंगे। तो डोनर को भी मैं एडवांस धन्यवाद देता हूं, वो भी 360 करोड़ रुपया को बढ़ाएंगे, 360 करोड़ रुपया की प्लस होगा। आज वो विभाग को दायित्व देंगे, फिर हमारे अतुल जी बात करेंगे, मिलकर काम करेंगे।